हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंडिया मैम। आज हम लोग क्लास टू एनसीईआरटी का चैप्टर लेंगे, ऑन माय ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ। हम लोग न्यू वर्ड्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गेट का मतलब होता है दरवाजे। फिर वाइड का मतलब होता है पूरा, खुला हुआ, बड़ा या चौड़ा। फिर होता है लेड का मतलब होता है मार्ग दिखाना या मिलना, नेतृत्व करना या आगे बढ़ना। चिमनी का मतलब होता है धुआं निकलने वाली पाइप। और मैरीगोल्ड का मतलब होता है गेंदे का फूल। स्ट्रेट मतलब होता है सीधा। अब हम लोग चैप्टर रीड करेंगे और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। देखते हैं कि क्या दिया है। ऑन माय ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ वन लिटिल हाउस विथ वन ग्रीन डोर। इसका मतलब होता है मैं अपने ब्लैक बोर्ड पर चित्र बना सकता हूँ एक हरे दरवाजे वाला एक छोटा सा घर। फिर टू ब्राउन गेट्स दैट ओपन वाइड, थ्री रेड स्टेप दैट लेड इनसाइड। इसका मतलब ये होता है कि बाहर की ओर खुलते दो भूरे दरवाजे, अंदर की तरफ जाती तीन लाल सीढ़ियाँ। ये है इसका मतलब। फिर क्या, फोर लिटिल चिमनीज पेंटेड विथ वाइट, फाइव लिटिल विंडो शाइनिंग ब्राइट। इसका मतलब होता है सफ़ेद रंग से रंगी चार छोटी चिमनियाँ, चमकती हुई पांच खिड़कियाँ। फिर है सिक्स येलो मैरी गोल्ड स्ट्रेट एंड टॉल ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल। मतलब दीवार से चिपक कर उगने वाली छह सीधी खड़ी पीली गेंदे के पौधे। ये बोला इस चैप्टर में दोस्तों, ये बोला है कि बच्चा एक ब्लैक बोर्ड में क्या क्या पिक्चर बनाना चाहता है ये बताया है, बोला है एक